तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री में, कि जो केमिस्ट्री की बेसिक टर्म्स हैं उनको हम जाने, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हमारे काम आने वाली है जेई में और नीट में, तो उन क्वेश्चंस को करने के पहले उनकी एक बेसिक नॉलेज हमें मिल जाए और उनमें क्या क्या चीज़ है ये हमें पता चल जाए, ठीक है। तो केमिस्ट्री की शुरुआत जो है, इस सीरीज़ की शुरुआत हम कर रहे हैं टॉपिक से कि व्हाट इज़ एन एटम, ठीक है। तो सबसे पहले जो है एटम के बारे में, जैसे कि अगर आप सबको पता हो तो एटम जो वर्ड है, इस एटम वर्ड के बारे में सबसे पहले जो चर्चा की वो साइंटिस्ट थे डाल्टन। डाल्टन ने ये बताया एटम के बारे में कि जितने भी मैटर हैं ऑल आर मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम, यानी कि सभी चीज़ों में जो सबसे सूक्ष्मतम कण है वो कौन है, एटम। और एटम के लिए उन्होंने आगे ये बोला कि एटम वो पार्टिकल्स हैं या वो एंटिटीज़ हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी चीज़ पार्टिसिपेट कर रही है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ एटम्स, ठीक है। तो डाल्टन ने इतना बता दिया, लेकिन एटम के अंदर क्या है ये डाल्टन नहीं बता पाए, ठीक है। तो एटम, जैसा कि हमें पता है कि एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि एटम में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किससे हुई, कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हुई, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुई। उसमें जे जे थॉमसन ने पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। उसके बाद गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एनोड रेस के थ्रू किसका पता लगाया, प्रोटॉन का पता लगाया। रेडियो एक्टिव डिके के दौरान चैडविक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूट्रॉन का पता लगाया। तो धीरे धीरे साइंटिस्ट की डिस्कवरी हुई और हमें इन पार्टिकल्स के बारे में पता लगा, ठीक है। अब इन पार्टिकल जो है एटम के अंदर, इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो रिप्रेजेंटेशन है सिंपल, वो है ई, प्रोटोन का पी, न्यूट्रॉन का एन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1e₀, जीरो यहाँ +1 +1 p₁, ठीक है, और 0 n₁। अब ये नोटेशन क्या बता रहा है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे मैंने माइनस लिखा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। वो चार्ज कितना होता है, -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है एग्जैक्टली उतना ही प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पे, कितना होता है, +1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एक तरह से नेगेटिव पार्टिकल है और प्रोटॉन एक तरह से पॉजिटिव पार्टिकल है, ठीक है। तीसरा जो पार्टिकल है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, इसका मतलब न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये तो हम बात कर रहे हैं किसकी, चार्ज के बारे में बात के। तो ये जो नीचे में दिखा रहा हूँ ना, ये चार्ज के बारे में बात चल रही है, ठीक है ना, -1 +1 और 0, ये चार्ज एक बेसिक इनका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके बाद हम इसके मास पे आते हैं, तो दिस वाज चार्ज, ठीक। अब हम किस पे आए, मास पे, ठीक है। तो मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³¹ kg। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये इसका मास जो है ऑलमोस्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं, इसका मास होता है 1.67 यहाँ पे 26 × 10⁻²⁷ kg। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, कितना होता है, 1.6749 × 10⁻²⁷ kg। अब अगर मैं इन तीनों मास को कंपेयर करता हूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग किसके बराबर है, ये लगभग बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास ये क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो आप ये ध्यान रहे कि जब हम एटम के मास के बारे में बात करते हैं तो कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन को सम्मिलित नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर हम मास को गिनते हैं, यानी प्रोटॉन का मास गिन लेते हैं और न्यूट्रॉन का मास गिन लेते हैं। इन दोनों के मास से हम एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास को क्यों छोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है अमाउंट। ठीक, अब यहाँ पे जब हम इसकी बात कर रहे हैं, एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमें पता लग गया। तो एटम का बेसिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देते हैं कि एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, एक स्मॉल सेंटर होता है जो कि एटम में प्रेजेंट होता है। इसकी खोज की रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने इसकी खोज किसमें की, अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट से, जिसके बारे में मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने बना दिया न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें होता है प्रोटोन, इसमें होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जैसे सन के आसपास अर्थ रिवॉल्व करती है, सेम वैसे ही न्यूक्लियस के आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, इसका एक बेसिक चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन पे अंदर की ओर अट्रैक्शन लगता है। अट्रैक्शन क्यों लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल को पॉजिटिव पार्टिकल अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, और बाहर की ओर यहाँ पे इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ बाहर की ओर लगेगा जो इसको बैलेंसिंग का काम करेगा। ठीक है, तो हर एक एटम में ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो ये न्यूक्लियस है, इसमें जो पार्टिकल पड़े हुए हैं इनको क्या बोलते हैं। तो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल पड़े होते हैं इनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियॉन का। न्यूक्लियॉन से मतलब क्या है कि न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन भी होता है और न्यूक्लियॉन का मतलब न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो हर एटम में जो है इन्हीं संख्याओं का फेरबदल होता है। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के पहले आइसोटॉप की 1H1 की, तो इसके अंदर एक प्रोटॉन यहाँ पड़ा होता है और इसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है। केवल हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, लेकिन वो किसमें, 1H1 वाले में, जिसका नाम हम क्या देते हैं, प्रोटियम। ये आइसोटॉप है हाइड्रोजन का और इसका नाम क्या है, प्रोटियम। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ हीलियम की। ठीक है, तो हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं और उसके बाद जो है दो इलेक्ट्रॉन इसके आसपास चक्कर काट रहे हैं। अगर अपन न्यूट्रल एटम के बारे में बात करेंगे ना, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो हमने एक तरह से हीलियम को बनाया कि ये न्यूक्लियस बनाया, दो प्रोटॉन इसमें पड़े हुए हैं और दो इसमें न्यूट्रॉन पड़े हुए हैं, और आसपास हमने बताया कि दो इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर काट रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वास्तव में तो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। अब देखिए, प्रोटॉन का नंबर बदल जाता है, न्यूट्रॉन का नंबर बदल जाता है, तो एटम की जो है प्रॉपर्टीज ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करें तो हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, हीलियम नहीं है, नोबल गैस है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खेल है ना, ये चीज़ चेंज होगी तो सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है ट्रिटियम, इसमें क्या होता है 1H3, तो थोड़ा सा चेंज हुआ न्यूट्रॉन का और ये रेडियो एक्टिव बन गया और ये जो है डीके कंटिन्यूसली शो करता है। तो इन्हीं नंबर के आधार पे सब कुछ चीज़ें चेंज हो गई। अब हमने एटम के बारे में तो जान लिया, अब एटम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है कि एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एटम रिप्रेजेंटेशन, तो किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं इसको लिख दूं ZXA। X तो एलिमेंट का सिंबल है, ठीक है, जैसे 2He4, हीलियम बीच में रख दिया नीचे, तो नीचे वाला जो नंबर है ये कहलाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर वास्तव में क्या दिखाता है, एटॉमिक नंबर दिखाता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। ठीक है, इसका मतलब हीलियम में प्रोटॉन कितने होने चाहिए, दो। ऊपर वाला जो नंबर है A, ये ऊपर वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है किसको, मास नंबर को। ठीक है, अब मास नहीं है ये केवल एक नंबर होता है, दिस इज ओनली मास नंबर, और ये मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। इसका मतलब हीलियम में ऊपर मैंने लिख दिया 4, ठीक है, तो हीलियम में जो है मास नंबर A हो गया 4, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम हो गया 4। ठीक है, अब प्रोटॉन मैंने बोला कि ये इसका एटॉमिक नंबर है और जितना इसका एटॉमिक नंबर है एग्जैक्टली उतनी ही संख्या में प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन कितने हो गए, दो, तो न्यूट्रॉन इसके कितने आ गए, दो न्यूट्रॉन आ गए।
तो इस तरीके से हम एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा 8O16, ठीक। अगर हम 8O16 के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें Z इसका कितना हो गया 8, ठीक है, और A इसका हो गया 16। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या इसमें 8 हो गई और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या टोटल 16 हो गई, ठीक है। अब अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो है 16 हो गई, तो हम इस केस में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन अगर 8 है और दोनों का सम जो है वो 16 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 8, ठीक है। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये बेसिक एटम के अंदर जो है, हमने आज की क्लास में ये क्या सीखा है कि एटम क्या होता है। अच्छा, एटम में अगर अपन बोलें कि एटम कैसे होगा, तो एटम में जैसे ऐसे पार्टिकल पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर एक कॉन्सेंट्रेटेड सर्किल में पार्टिकल पड़े रहेंगे, प्रोटॉन, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो कि चक्कर काट रहे होंगे, ठीक है ना, ये इसके आसपास चक्कर काट रहे होंगे। अब देखिए, प्रोटॉन एक साथ है न्यूक्लियस के अंदर, तो पूरे न्यूक्लियस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इसके आसपास नेगेटिव चार्ज वाले। अब सवाल ये होता है कि जब प्रोटॉन हमने इकट्ठे कर दिए न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटॉन पे तो जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन होना चाहिए, ठीक है। तो नेचर ने ऐसी व्यवस्था करी है कि उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इसमें जो है न्यूट्रॉन डाले हुए हैं। तो ये रेडियो एक्टिव में हम पढ़ते हैं कि जब न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस बढ़ जाते हैं, जो कि न्यूक्लियस के इन पार्टिकल्स को बांध के रखता है, ठीक। तो ये हमने आज की क्लास में इसके बारे में जो है पढ़ा है, एटम के बारे में।